हेलो फूडीज फ्रेंड्स, मैं सबा फिरोशी, सबा किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेसिपी फुलजार सोडा की। इसे आप स्पाइसी लेमनेड कह सकते हैं या मसाला सोडा भी कह सकते हैं। वैसे तो इसे बनाने में काफ़ी झंझट होती है, सेपरेट मसाले पीसने पड़ते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप फुलजार सोडा केवल 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इसे सर्व करने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि चटनी जो हम प्रिपेयर करेंगे उसका शॉट्स बनाकर हम सोडा भरे गिलास में ड्रॉप करेंगे, और जैसे ही सोडे में झाग बनना स्टार्ट होता है तो उसे पी लिया जाता है। गर्मी में डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है। तो आइए बनाते हैं फुलजार सोडा। फुलजार सोडा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियाँ, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच सब्जा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 4 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, और ये मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी थी तो मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। आप 5 या 6 बड़े चम्मच नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है सोडा बॉटल। सोडा बॉटल आप किसी भी कंपनी का ले, कोई इश्यू नहीं है। फुलजार सोडा बनाने से 10 या 15 मिनट पहले आप सब्जा सीड्स को पानी में फूलने के लिए रख दीजिए। 1 बड़ा चम्मच सब्जा में मैंने 100 ml पानी डाला था, जिससे कि इस पर ट्रांसपेरेंट सी लेयर आ गई है और ये इस तरह से फूल कर रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। फिलहाल के लिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे सर्विंग करते समय। और अब ये जो हरा मसाला है, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, इन सभी को मिक्सर जार में डाल देंगे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो ही 2 हरी मिर्चें लें, नहीं तो 1 हरी मिर्च कम स्पाइसी खाने वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना देंगे तो यकीन माने ये ड्रिंक आपके लिए पीना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। हरा मसाले के साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे जीरा पाउडर और काला नमक, और फिर डालें चीनी। चीनी आप अपने ड्रिंक में जितनी स्वीटनेस चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करें। मैं इसमें 5 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। तो सभी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दिया है। फाइनली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी, जिससे कि स्मूथ सी चटनी पीसने में आसानी होगी। तो चलिए मिक्सर जार की लीड लगाकर इसे बारीक पीस लेते हैं। तो लीजिए, ये आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये जो ट्रिक है मुझे सबसे आसान लगती है कि सभी चीज़ों को एक साथ पीस करके तैयार कर लें। सेपरेट हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च पीसने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चटनी को बनाने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट करना ना भूलें, ताकि नमक, मिर्ची, चीनी वगैरह जो भी आपको कम लगे तो उसे आप ऐड करके बैलेंस कर सकते हैं। इस चटनी को टेस्ट करने पर मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी, तो ऑलरेडी मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर लिया है। फुलजार सोडा सर्व करने के लिए हमें चाहिए शॉट्स वाले ग्लास, इस तरह के 30 या 40 ml वाले। और जो मैंने मसाला प्रिपेयर किया है उतने स्टफ में मेरे 3 फुलजार सोडा बनकर तैयार होंगे, यानी कि 3 ग्लासेस। फिलहाल मैं तैयार कर रही हूँ 2 शॉट्स। तो दोनों ही शॉट ग्लासेस में पहले हम डालेंगे 1-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। तो लीजिए, दोनों में ही 1-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल दिया। नींबू का रस डालने के बाद शॉट्स में हम 2-2 बड़े चम्मच तैयार की हुई चटनी डाल देंगे। तो ये देखिए, फुलजार सोडा के लिए मसाला तो तैयार कर लिया है। अब सर्विंग के लिए ले लिया है मैंने 1 बड़ा ग्लास, और ग्लास के नीचे मैंने ये प्लेट भी रखी है ताकि आप इसे सर्व करने का तरीका जान सके। पहले मैं ग्लास में ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच भिगो कर रखा हुआ सब्जा। सब्जा पेट में ठंडक पैदा करता है, इसलिए मैं सब्जा यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास सब्जा अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें। सब्जा डालने के बाद ग्लास को हम फिल कर लेंगे सोडा से। इस रेसिपी के लिए आपको फ्रेश सोडा बॉटल यूज़ करनी है, जो कि सील्ड हो। पहले आपने उस सोडा बॉटल को यूज़ करके फ्रिज में ना रखा हो, क्योंकि जो यूज़ किया हुआ सोडा होता है उसमें से गैस निकल चुकी होती है। ग्लास में सोडा फिल करने के बाद इसमें हम मसाले वाला जो शॉट है वो ड्रॉप करेंगे, और जैसे ही इसमें इस तरह से बबल्स बनने लगे तभी इसे पीना स्टार्ट कर दें और फुलजार सोडा का पीते पीते फुल मज़ा लें। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है। खासकर गर्मी के मौसम में ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आई होप फूडीज फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कॉमेंट में ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिसकी वजह से आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय।